फ्रेंड्स, वेलकम टू टर्मिनेट लर्निंग्स। आज हम क्लास 5th के चैप्टर 8, साइंस के चैप्टर 8, नर्वस सिस्टम, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो मत लाइक करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। इससे हमें पता चले कि हमारी वीडियो बन कैसी रही है। इसके लिए आपको डिसलाइक या लाइक कुछ तो करना होगा, और कमेंट करके बताइए इसमें मैं और भी क्या चेंजेस कर सकता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, उसको मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है वो बना होता है तीन चीज़ों से। पहला तो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन होता है, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड होता है, और तीसरा नर्व्स होता है। ये तीन चीज़ों से हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे तो बताइएगा। तो हम सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में और भी डिटेल में जान लेते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमें क्या, बॉडी के परफॉर्मेंस को, सारे फंक्शंस को परफेक्टली रन कराने में मदद करता है। जो नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे एवरी मूवमेंट को ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और वर्किंग को, ऑर्गन्स के वर्किंग को भी कंट्रोल करके रखता है। उससे वो देखता रहता है कि ऑर्गन सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, कंट्रोल करता है, ये समझिए पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करके रखता है अपने पास। जो ये होता है कंट्रोल करता है ऑल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जैसे कि ये कंट्रोल इस मेमोरी को करता है, स्पीच को, हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है, और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। तो अब हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में इस वीडियो में और डिस्कस करेंगे डिटेल में, और मैं इसमें इमेज दिखा के आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो चलिए, ब्रेन जो होता है, अगर आपको डिफिनेशन लिखने को आ गया, सबसे सिंपल डिफिनेशन आप लिख दीजिएगा। ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट और डेलिकेट पार्ट होता है बॉडी का, जो कहाँ पे पाया जाता है, स्कल में पाया जाता है। इसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लूइड होता क्यों है, इसको आप नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे। ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम जैसे कि उछल कूद करते हैं या कुछ भी जंप वंप करते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारे स्कल से ब्रेन को, अगर ब्रेन उसमें लड़ जाए तो क्या हो सकता है, डेलिकेट पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट है ब्रेन, इससे क्या हो सकता है, हमारी ब्रेन में, ब्रेन को इसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है। इससे क्या होता है, ये ब्रेन और स्कल के बीच में ये फ्लूइड रहता है, ये क्या करता है कि अगर कोई जर्क लगता है तो फ्लूइड क्या करता है, उसके फोर्स को कम कर देता है। तो अब हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ेंगे। बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, एक सेरिब्रम होता है, दूसरा सेरिब्रम होता है, और तीसरा मेडुला होता है। तो एक एक करके तीनों पार्ट्स के बारे में जानेंगे, तीनों पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम के बारे में जानते हैं, सेरिब्रम क्या काम करता है। सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, और ये आउटर मोस्ट पार्ट भी होता है ब्रेन का। ये हेल्प करता है हमें थिंकिंग में, रिमेम्बर करने में, किसी भी चीज़ को याद करने में, और लर्न करने में ये बहुत मदद करता है। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारी आइज और ईयर्स, नोज, टंग्स, यानी कि समझिए सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ठीक, ये जो सेरिब्रम होता है ये क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसको याद रखिएगा। और अब दूसरा आ जाता है सेरिबेलम के बारे में जानने को, सेरिबेलम भी इसे बहुत लोग कहते हैं, आप सेरिबेलम कहिए, सेरिबेलम कुछ भी कहिए। सेरिबेलम क्या होता है, या सेरिबेलम क्या होता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट्स को, और मेंटेन द बॉडी ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, और मूवमेंट्स हम कैसे चल रहे हैं। इसीलिए छोटे बच्चे के सिर पे मारने को मना किया जाता है। क्यों मारने को मना किया जाता है, क्योंकि जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो सेरिबेलम ही होता है, ये छोटा सा पार्ट जो होता है वो सेरिबेलम होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस इमेज में ये छोटा सा पार्ट क्या है, सेरिबेलम है। इस पे अगर आप मारेंगे तो क्या होगा कि इस, उससे क्या होगा, बॉडी, बच्चा छोटा है अभी, उसका डेलिकेट पार्ट होगा सारा, स्कल भी डेलिकेट होगा। इससे क्या होगा कि क्या, अगर बाय चांस चोट आपके उस सेरिबेलम पे लग जाएगी तो क्या होगा, वो बच्चा कभी खड़ा नहीं हो सकता, या और कोई भी चीज़ हो सकता है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। वैसे चलिए अब हम अपना तीसरा पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट है मेडुला।
मेडुला क्या करता है, मेडुला जो होता है लोअर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये होता है मेडुला रेगुलेट्स फंक्शन। इसमें कौन कौन से फंक्शन, ये मेडुला का काम क्या है, मेडुला क्या करता है, हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और ब्रीथिंग, ये तीन चीज़ों को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ये तीन चीज़ों को ये कंट्रोल करके रखता है। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये मैंने सारे चीज़ों को पॉइंट में इसलिए लिखा है क्योंकि जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर आप चाहें तो इन सभी को पढ़ सकते हैं। गूगल ड्राइव का भी मैंने लिंक दिया है और प्लस इसको मैंने अपने ब्लॉग वेबसाइट ब्लॉग पे भी अपलोड कर दिया है, जिससे आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने का मन हो। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस्ट नोट, इसको उस लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको अच्छे से डिज़ाइन किया है। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है लिंक करता है ब्रेन और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को, ब्रेन को और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को ये लिंक कराता है। जैसे कि अदर पार्ट से ब्रेन कैसे लिंक होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये यहाँ पे पाया जाता है। देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं, इट बिगेंस जो होता है ये चालू कहाँ से होता है, मेडुला से, मेडुला से चालू होगा, ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट से चालू होता है और एक्सटेंड कहाँ तक होता है, बैक तक, या हमारे बैक तक, एज लॉन्ग एज अ बैक, क्योंकि ये इस कहाँ पर पाया जाता है, वर्टिब्रे में पाया जाता है। जो वर्टिब्रे होता है वो क्या होता है, 33 बोन्स से मिलकर बना होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ वर्टिब्रल कॉलम, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 33 बोन्स से मिलकर बना होता है, इसी को क्या कहते हैं, वर्टिब्रे कहते हैं। अब हम तीसरे पार्ट्स में पहुंच गए हैं, जिस हमने तीन ही पार्ट्स पढ़े थे नर्वस सिस्टम के, पहला था ब्रेन, दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा था नर्व्स। अब हम नर्व्स वाले सेक्शन में पहुंच चुके हैं, नर्व वाले में पढ़ते हैं नर्व्स क्या होता है। नर्व्स जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है पहली चीज, और ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ये इसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप हाथों से कोई भी चीज़ को छू रहे हैं, जैसे कि ये देखिए ये कैंडल है, इस कैंडल को आप अपने हाथों से छू रहे हैं, ये हाथ तो बहुत भयानक बन गया, हाथों से छू रहे हैं तो क्या होगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से, हैंड से आपका मोटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन ले जाएगा और पहुँचाएगा, उसे क्या होगा, फिर से इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन देगा इंटरप्रेट करके वही इन्फॉर्मेशन को मानेगा और वो अपने मसल से हाथ को पीछे की तरफ खींच लेगा। जो बॉडी होता है ये जो नर्व्स होता है वो कहाँ पे होता है, पूरे इंटायर बॉडी में होता है। नर्व्स कनेक्टेड होता है विद अ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जो ज़्यादातर फेस की जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, नहीं तो अदर पार्ट्स की नर्व्स या नर्व्स ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड से ही कनेक्टेड होती हैं। अब हम नर्व्स के भी पार्ट देख लेते हैं, कैसे कैसे दो नर्व्स होते हैं, पहला तो सेंसरी नर्व्स होता है और दूसरा मोटर नर्व्स होता है। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेंस ऑर्गन्स से या अदर पार्ट ब्रेन से, और ये क्या करता है, ब्रेन को पहुंचाता है या स्पाइनल कॉर्ड को तक पहुंचाता है। और जो मोटर न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को, मैसेज को, इंफॉर्मेशन या मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से लेकर क्या करता है, वेरियस पार्ट बॉडी के वहां तक पहुंचाता है। तो हम दो तरह के एक्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि पहला एक्शन है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस, इन दोनों एक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो वॉलेंट्री एक्शंस होता है वो कौन सा एक्शन, जो इंडिविजुअली खुद कंट्रोल कर सकता है, ऐसे एक्शंस को वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शंस कौन से एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन जो एक्शन हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते वो कौन से एक्शन होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस का, जैसे कि वॉलेंट्री एक्शंस का एग्जांपल है वॉकिंग, डांसिंग, रीडिंग, जो हम खुद से कर सके, जो जब हम आम मन कहे और वो चीज़ हम कर सकें। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या हम अपने चाहने से रोक सकते हैं, हाँ कुछ समय के लिए रोक सकते हैं लेकिन पूरा नहीं रोक सकते जब तक मेरा मन हो। और यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन को भी नहीं रोक सकते, बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट के बीट करने को भी नहीं रोक सकते, डाइजेशन को भी नहीं रोक सकते।
अब हमारे चैप्टर का मेन पार्ट जो आ चुका है, इसको आप बहुत ही ध्यान से, सारी जगह से ध्यान हटा के इसको आप अच्छे से समझिएगा। रिफ्लेक्स एक्शन, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू, ये फिगर के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। ये फिगर को आप देखिए और समझिए, ये समझिए, ये देखिए, ये गर्म पानी है, खौलता हुआ पानी समझिए। यहाँ पे आपकी हाथें जा रही हैं, तो हाथें जब यहाँ, हाथ ही आपका यहाँ पे जा रहा है, आपको पता नहीं है, और जब अचानक से आपने पता देखा तो क्या होगा, यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन ले जाएगा। ये देखिए इन्फॉर्मेशन ले गया सेंसरी न्यूरॉन ही तो होता जो इन्फॉर्मेशन ले जाता है। और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, देखिए ये देखिए, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। यहाँ से क्या होगा कि जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन आया सेंसरी न्यूरॉन से, फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा ये रिले न्यूरॉन होता है, जो क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है कि मोटर और सेंसरी न्यूरॉन को जो इंटरकनेक्ट करता है वो रिले न्यूरॉन्स होता है। तो देखिए यहाँ से अब रिले न्यूरॉन से क्या हुआ, इमरजेंसी सिचुएशन है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम ब्रेन तक अगर इन्फॉर्मेशन ले गया तो ज़्यादा टाइम लग सकेगा, इसलिए जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है तो वहाँ पे सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, वो खुद से अपना, मतलब खुद से डिसीजन दे देता है आपको क्या करना है इस सिचुएशन में। तो जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड खुद से लेता है, इसी को क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी तुरंत डिसीजन लेता है वो, क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या करता है खुद से डिसीजन लेता है विदाउट द हेल्प ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बिना हेल्प के ही खुद से अपना डिसीजन ले लेता है, छोटे मोटे डिसीजन जो इमरजेंसी डिसीजन होते हैं। ये रिले न्यूरॉन से फिर इन्फॉर्मेशन पास किया और मोटर न्यूरॉन में गया, और मोटर न्यूरॉन ने मसल्स को कहा भाई अपना हाथ हटा पीछे कर, आप तुम जलने वाले। तो इससे क्या हुआ कि ये अपना हाथ पीछे हटा लेगा, ये काम होता है रिले न्यूरॉन्स का, ठीक समझ गए, ये अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लेगा। हाँ तो अब इसको रिफ्लेक्स एक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, पेपर में अगर आ गया तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको देखते हैं। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से, एक क्विक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन, इसमें कैसे, इसमें जो क्विक रिस्पॉन्स करते हैं हम लोग उसी को क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल ये दिया है, इसका एग्जांपल ये है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एग्जांपल, लेकिन मैंने आपको समझा दिया इसलिए मैं इसको अब टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब हम डायरेक्ट सेंस ऑर्गन्स पे आ जाते हैं कि सेंस ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारी बॉडी में ऑफ कोर्स 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, ह्यूमन बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं। पहला आइज, स्किन, ईयर्स, नोज, टंग, ये 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो देखो आइज क्या करता है, साइट यानी देखने के लिए काम आता है, ईयर्स हियरिंग के लिए, स्किन फील करने के लिए, लिप, और फिर उसके बाद टंग जो होता है वो टेस्ट लेने के लिए, और फिर नोज जो होता है स्मेल के लिए। तो एक एक करके सबके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आइज़ के बारे में देख लेते हैं, आइज़ जो होता है वो, इसमें क्या होता है, आइज़ जो होता है उसके लेंस होते हैं, हर एक आई का अलग अलग लेंस होता है, उसी से हम लोग ऑब्जेक्ट उस पर पड़ता है तो उससे क्या होता है हम उसी को उसी से देख सकते हैं। लाइट जो होता है वो लेंस पे आता है और लेंस से पास करेगा, फिर उसके इनसाइड द इमेज फॉर्म इनसाइड द आई, और जो होगा इमेज फॉर्म होगा इनसाइड द आई, आई के अंदर फॉर्म होगा, दो इमेज होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मैसेज या कोई इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा जो ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन के जाने के बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर लेगा और उसको समझ जाएगा वो क्या चीज़ है ऑब्जेक्ट। तो अब हम दूसरा पढ़ लेते हैं ईयर्स के बारे में, ईयर्स क्या करता है, ईयर्स में ईयर ड्रम्स होती हैं इनसाइड द ईयर, ईयर के अंदर क्या होता है ईयर ड्रम्स होती हैं, जिसके वाइब्रेट करने से क्या होगा साउंड हमारे ब्रेन तक जाएगा एज अ सिग्नल, सिग्नल के थ्रू या इम्पल्सेस के थ्रू क्या होगा ब्रेन तक हमारे वो वाइब्रेशन जाएगी, उससे क्या होगा हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी आवाज़ है। ये क्या होता है जो ईयर ड्रम होता है वो थिन मेम्ब्रेन का बना होता है, बहुत ही पतला। और अब हम नोज के बारे में बात करते हैं, नोज जो होता है वो हमारे स्मेल सूंघने के लिए काम आता है, इसमें भी इनसाइड में नोज के अंदर क्या होता है इनसाइड में
नर्व्स होते हैं, उसको हम उस नर्व्स को हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी कहते हैं। वो वैसे ज़रूरी नहीं है एज अ क्लास फिफ्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ उसे ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी कहते हैं, जो क्या करता है कन्वर्ट करता है स्मेल को एज अ मैसेज एंड कैरी इट टू द ब्रेन, ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन उसको रिकोगनाइज कर लेता है मैसेज को और हेल्प करता है उसको स्मेल करने में कि वो किस चीज़ का है। तो अब हम टंग के बारे में बात करते हैं। जो टंग होता है उसमें क्या होता है, टेस्ट बड्स होती हैं। टंग में क्या होता है, टेस्ट बड्स होती है जो क्या करते हैं, सेंस करती है डिफरेंट टेस्ट, उसमें वो क्या करती है, सेंस करती है। टेस्ट बड ही, टेस्ट बड में क्या होता है, उसमें भी ढेर सारे नर्व्स होते हैं, उसमें भी नर्व्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं ब्रेन तक ले जाते हैं। ठीक, सब में वही काम हो रहा है एक जैसा ही, अगर आप ध्यान से समझे तो। तो मेरे बच्चों अब नेक्स्ट आ जाता है स्किन। स्किन क्या करता है, वो उसमें फील होता है समथिंग, जो कुछ भी टच होता है स्किन से वो चीज़ हमें फील होता है। और स्किन के चारों तरफ से रिचली, रिचली मतलब बहुत से नर्व्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किस चीज़ में, सेंस करने में पेन या कोई और भी चीज़, टेम्परेचर सेंस करने में, फील करने में, इन सब में ये चीज़ हेल्प करती है। यहाँ पे पेन होगा, पैन नहीं पेन होगा, ये पेन होगा। और यहाँ देखिए हमारी वीडियो थी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और कोई चेंजेस इसमें चाहिए तो वो भी बताइएगा। और ये वीडियो अगर देखिए तो उसका, अगर आपको पढ़ना है ये पूरा नोट्स, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ब्लॉग पे जाके पढ़ सकते हैं, या तो मैंने इसकी पीडीएफ भी दी है गूगल ड्राइव से, उसको भी देख सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और भी वीडियोस आने वाली, क्लास नाइन्थ की भी वीडियोस अब जल्दी लाऊंगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हर सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगी क्लास नाइन्थ की, उसको भी आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे करके सारी वीडियो आएंगी, सारे क्लासेस की वीडियोस जल्दी ही करूँगा, उसको भी लाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, ट्राई और बेस्ट, अपना फर्स्ट ट्राई करो इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।